दिखाओ जल्दी क्या बनाया। ये मैंने बनाया अपनी उंगली से, हमारा कमरा। ये हमारा कमरा है। हाँ। अच्छा। ये हमारा ड्रेसिंग है। ये ड्रेसिंग है। हाँ, ये ड्रेसिंग है। अच्छा। ये ऊपर को इस तरीके से ही झेलते हुए मुझे पता था झेलते हुए बोल रही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का वीडियो जो है वो मैंने अभी स्टार्ट किया है, और अभी मैं जो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे हेयर वॉश करवाने जाना है, तो वो मैं करा के आ गई हूँ। लेंथ बढ़ ही गई है। अब उन्होंने जो है शैम्पू वैम्पू जो भी मुझे बताया है, फिलहाल मैंने जो है ले लिया है। कुछ दिन तो उन्हीं को यूज़ करूँगी। और आप लोगों को कैसे लग रहे हैं प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। लोगों को तो देखिए पसंद नहीं आएंगे, कुछ लोगों को पसंद आएंगे, कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आएंगे। अभी मैं यहीं पर बैठी हुई थी तो थोड़ा सा बेड ऐसे ही पड़ा हुआ है। एक बार कराना था तो मैंने करा लिया है, और अभी उन्होंने बोला है कि अगर आगे आपको कभी ये आपने बालों के लिए कुछ कराना है तो अब की बार आप केराटिन जो होता है वो कराना, क्योंकि वो प्रोटीन होता है बालों के लिए, तो आप वो करा सकते हो। मैंने कहा चलो भाई, अब नहीं मुझे नहीं लगता कि मैं कराऊंगी, क्योंकि ये एक बार का शौक होता है कि एक बार तो हम अपने बालों को करा ही लें। रहा है गाजर का हलवा बनाने का, क्योंकि सीजन जा रहा है, तो जाते जाते सीजन को बाय बाय कर देते हैं हलवे के साथ में। मैंने कहा एक बार हलवा बना लेते हैं। अभी मैं उनको फ़ोन करूं, क्योंकि मांटू को लेने गए हैं। मांटू का जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, आज उसका पहला एग्ज़ाम था। अभी ये गाजर लेकर के आ गए हैं, मैंने दूध रख दिया है उबलने के लिए, और ये गाजर कसवा रहे हैं मेरे साथ में। बहुत हेल्प कर देते हैं, जब भी घर रहते हैं कोई काम करती रहती हूँ मैं तो उसमें मेरी पूरी की पूरी सहायता करते हैं। तो ये कुछ सब्जियाँ भी लेकर के आए थे। सब्जियाँ क्या, मैंने मूली मंगवाई है, तो पहले तो मैंने सोचा मूली के पराठे बना लेती हूँ, फिर जो ये पत्ते थे मैंने सोचा चलो हरी सब्जी भी बन जाएगी तो मूली के पत्तों की भुजी भी बना लेते हैं साथ में। तो ये दही है जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको फेंट दिया है, थोड़ी सी ही दही थी ये, और यहाँ पर जो दूध है उसमें अच्छे से बॉयल आ गया। तो फिर मैंने जो ये कद्दूकस की हुई गाजर है वो इसमें डाल दी है। मैंने पहली बार इस तरीके का हलवा बनाया है दूध में गाजर डाल के, क्योंकि हमारे इधर तो गाजर को पहले चीनी में पका के फिर उसमें बाद में जो है वो मावा मिलाया जाता है, हमारे इधर ऐसे ही हलवा बनता है। पर मैंने सोचा चलो इसको भी ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारी फ्रेंड इसी तरीके से बनाती है, तो उसने मुझे बोला कि तू एक बार इस तरीके से बना, बहुत टेस्टी लगता है। तो बस मैंने भी सोचा चलो भाई ट्राई करके देखते हैं, कुछ अलग भी ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर जो मूली के पत्ते हैं उनको मैं काट रही हूँ, मोटा मोटा सा ही काट रही हूँ, क्योंकि मुझे इनकी भुजी बनानी है, तो इनको पहले मैं बॉईल करूँगी। तो बहुत अच्छी लगती है, जो अभी कुछ खा लेंगे पराठे के साथ में, जो बचेगी वो सुबह में भी काम आ जाएगी, क्योंकि सब्जी बनी हुई अब नहीं काम आएगी, तो सुबह के टाइम में जो है मैं उसको यूज़ में ले लूँगी। तो ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, तो देखिए जो शाम की सब्जी बच जाती है सुबह नाश्ते में काम आ जाती है, ये फिर टिफिन में ले जाते हैं, नहीं मैं बनाती हूँ तो ऐसे ही चलता है। तो ये मूली के पत्ते जो मैंने अच्छे से धो के अच्छे से मैंने कुकर में डाल दिए हैं। दो मैं इसमें आलू काट के डाल रही हूँ, क्योंकि आलू भी चाहिए होंगे ना, तो मेरे ना सर में मैं बाल धुलाने गई थी तो कलर लगा था, तो वो ना मेरे नाखून पे भी लगा, अजीब सा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे गंदे हो रहे हैं, मुझे बड़ा अजीब से लग रहे थे, तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी। थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख देते हैं अभी। Thank you.
कोशिश तो यही करती हूँ आप लोगों के साथ में वीडियो जो है वो अच्छी से अच्छी शेयर करूँ, आप लोगों को पसंद आए मेरी जो कोशिश है। पता नहीं आप लोगों को पसंद आती है या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें। यहाँ पर मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया था, सूखे मसाले इसमें डाल दिए हैं और जो मूली के पत्ते थे उनको अच्छे से निचोड़ा है, और आलू जो है वो भी मतलब ज़्यादा नहीं बॉयल हुए थे, एक या दो सीटी मैंने इसमें लगाई थी, ऊपर से नमक डाल दिया है। तो यही हम हमारी यहाँ पर सिंपल सी जो भुज्जी है वो बन करके तैयार हो गई है। और यहाँ पर जो है मैंने मूली को कस लिया था, उसमें नमक लगा के रख दिया था, फिर बाद में जो है उनको अच्छे से निचोड़ लिया है। इस तरीके से पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो अभी मैं इसमें सारे सूखे मसाले डाल रही हूँ, जीरा पाउडर, धनिया। चौधरी, हमारा छोटा चौधरी घर की रौनक बढ़ाने के लिए मम्मी का पैटर्न फॉलो करते हुए, और ये कार्यक्रम चल रहा साफ सफाई का, लेकिन अभी तहजीब की कमी है इनको, इनको नहीं आता कैसे साफ सफाई करी जाती है जी, यही बात है ना। आवे आपको सब कुछ, ओहो लेगी बात, दिल पे लेगी बात को है। ओहो पहले वॉशरूम की लाइट बंद कर दो, पीछे लाइट बंद कर दो बेटा, कर रहे। और ये कहाँ से लिया, ये फरसा गंडा सा, टक 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 टक। तो हलवा जो है वो कुछ ही हद तक रह रहा है, सारा बन चुका है। मैंने इसमें घी डाल दिया है, भर के चम्मच घी डाला है। बाद में मैंने इसमें डाल दिया ड्राई फ्रूट, जैसे कि बादाम ही मैंने ज़्यादा काटे थे, काजू नहीं काटे, बादाम लंबे लंबे कट कर दिए। अभी भी आप लोग देख सकते हो इसमें दूध है, इसका दूध बिल्कुल ख़त्म होना है तभी जो है हमारा ये हलवा बन करके तैयार होगा। और सच में जितनी इसमें मेहनत की गई उतना ही इसमें अच्छा टेस्ट भी आया। तो अभी फ़िलहाल आज हमारे खाने को जो है वो काफ़ी लेट हो गया है, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ मूली के पराठे, उसके साथ में भुज्जी भी है खाएंगे तो, और दही है। फिर इन्होंने कहा कि चलो जब तुमने भुज्जी बनाई है तो उसके साथ में तो हम दही ही ले लेंगे, चाय नहीं लेता हूँ, वरना ये कभी भी चाय से पराठे नहीं खाते हैं, मतलब दही से नहीं खाते हैं, चाय के साथ में ही लेते हैं। तो लो जी हमारे हो गए पराठे तैयार, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए मूली के पराठे, गाजर का हलवा, जाते जाते हलवे को बाय बाय। रही थी चाय मतलब दही लेते हैं, कह रहे हाँ वो तो जिसकी मर्जी जो जिस चीज के साथ में खाना चाहेगा उस चीज के साथ में, क्योंकि इनको पराठे चाय के साथ में पसंद है और मुझे दही के साथ में पसंद है, मुझे चाय के साथ पराठे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलो जी पहले कपड़ों की तह लगा लेते हैं। दिखाओ जल्दी क्या बनाया। ये मैंने बनाया अपनी उंगली से, हमारा कमरा। ये हमारा कमरा है। हाँ। अच्छा। ये हमारा ड्रेसिंग है। ये ड्रेसिंग है। हाँ, ये ड्रेसिंग है। अच्छा। ये ऊपर पंखा है जो कभी साफ नहीं होता, वो गंदा है। वो गंदा है। पायदान। अच्छा ये जो बेड के सामने पायदान पड़ा वो वाला। यो। तो वो तो रेड है, यो ब्लू क्यों? कोई बात नहीं। चलो ठीक है। अब ये हरी बिछा रखी है। ये बेड शीट है। हाँ, ये बेड शीट है। अच्छा। ये दो तकिए। अच्छा इधर भी दो तकिए। दो तकिए इधर कहाँ रखे, उधर ही रखे हैं बस। अच्छा और ये साइड टेबल ड्रेसिंग है। अच्छा बेड साइड टेबल है। हाँ। अच्छा जो हमारी, और ये है, ये क्या है? बेड पे गंदा कपड़ा पड़ा है। अच्छा बेड पे जो कपड़ा पड़ा। हाँ वो, ये वो है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जाओ पहले मम्मी को लिटा के लाओ। मम्मी कहाँ लेट रही, देखो पहले मम्मी दिखाओ, मम्मी कहाँ लेट रही। बताइए वांट टू एक्सप्लेन कर दो अपने पापा को, या मम्मी लोटी बैठ पे हेयर स्ट्रेटनिंग भी करवा रखी। ये वाला ड्रेसिंग है, हमारी बेड साइड टेबल है, हमारा गंदा बेड है, और ये गंदा कपड़ा पड़ा, ये हमारा स्विच गंदा हो रहा है, ये गंदा पंखा फर्श पे गंदा पड़ा, तेरी मम्मी रहते हुए ऐसा तेरी मम्मी बेड पहले इसलिए हो रहा है ना। मम्मी को लेटा नहीं भूल गए थे, तो दोबारा मम्मी को लाई लेटा हेयर स्ट्रेट करवा रखे।
हमारा ओवरऑल लुक बता दो कैसा लगा? चलेगा, इतने अच्छे नहा धोके तैयार हो गए तुमने, एक नजर से देखा नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा लग रहा है, दैट्स कूल। सुबह नींद में ही कह देती है, अच्छा लग रहा। मुझे पता ही नहीं था तुम सुबह क्या पहन के गए। तुम्हारा घर में कोट कहीं नहीं मिला? कोट कोट में ही है, कोट कोट में ही है। ये सही है, कोट होना भी चाहिए कोट में, कोट को घर नहीं लाना चाहिए। तो ये लगी है मांटू की ब्रेकफास्ट की प्लेट, जिसमें है लस्सी। गर्मी आ गई है तो गर्मियों वाली चीजें जो है वो स्टार्ट हो गई है। और ये थोड़ी सी भुज्जी बनाई थी मूली के पत्ते की और आलू की, तो उसी के बन गए हैं हेल्दी से सैंडविच। तो मांटू की प्लेट हो गई तैयार। खाना बिना होने के बाद में तुरंत जो है वो किचन को साफ कर देते हैं, गैस को अच्छे से साफ कर देते हैं। खुले बालों में मुझे थोड़ी नहीं बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि मुझे तो वैसे भी खुले बालों में रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रहा जाता मुझसे। पर क्या करें, फिर वो लालच आता है पैसों का दिमाग में कि इतने पैसे लगाए हैं, थोड़ी सी तो वो करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ दिन के लिए इनको बालों को ज़्यादा नहीं बांध सकते हैं, बट खुले बालों में काम नहीं होता है। गाइज अभी जो है खाना पीना हो गया है और किचन भी मैंने जो है वो पूरा साफ कर दिया है, कपड़े भी धुले थे आज। और अभी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग से मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर आगे की जो भी वीडियो है शेयर करूँगी, क्योंकि आज मैं और हमारी जो गुड़िया रानी है वो अच्छे से तैयार होंगे। आज होगा हमारी बिटिया का मेकओवर। जी हाँ, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। और ये सारी चीज़ें जो है इस वाले रूम की आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा स्टोर रूम है, तो स्टोर रूम की हालत कुछ ऐसी होती है। आज हम करेंगे अपनी गुड़िया रानी को तैयार, और मेकओवर। अच्छा जी, मेकओवर नहीं, हम अपनी बिटिया को तैयार करेंगे, देखते हैं कैसी लगेगी, आप लोगों को भी पसंद आएगी। चलो जी चलते हैं फिर, है ना? ठीक है, कैसे तैयार हो रहा हूँ देखना, मांटू कैसे तैयार होगी। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी आपका ना फेस बहुत मोटा मोटा सा लग रहा है। वैसे तो मेरा फेस है ही मोटा, छोटा तो कभी है ही नहीं, पर हाँ ये होने के बाद में ना माथा चौड़ा सा लग रहा है। और कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी किए हैं, अच्छा लग रहा है, और बुरे किसी ने नहीं किए, पूरे किसी ने भी नहीं किए जितना मैं डर रही थी। बस हाँ ये बोला है कि जो मतलब हम बाल जो ये रिबॉन्डिंग कराते हैं, स्मूथनिंग कराते हैं, उससे बाल डैमेज हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, तो जब की जब देखी जाएगी, अभी से टेंशन नहीं लेते। पहले भी कोई ज़्यादा अच्छे थे नहीं, पहले भी जो है ज़्यादा अच्छे थे नहीं बाल, है ना? तो थोड़ा बहुत, थोड़े बहुत दिन के लिए तो अच्छे रहेंगे ना, तो बाद की बाद में देखी जाएगी जो जैसा होगा, है ना? पास को ना, अरे ला रहा हूँ यो अलग ही है किरदार ना ले, इसकी आंख बंद करनी तन्ने अपनी की बंद मांड ले ऊपर भी झपका लाइनर नहीं भाई, सोनी लग रही चिपड़ गंजू जिसमें तो अभी मांटू को साड़ी पहना रही थी, पहना
सब कुछ जो है वो हो गया मंटू का, पर हमारी जैसी भी है वैसे भी साड़ी पहन करके बहुत सुंदर लग रही थी, मतलब कैसी भी साड़ी पहन के सुंदर लग रही थी, क्योंकि ज्यादा नहीं किया लड़की का को ज्यादा तैयार करके ज्यादा मेकअप करके माँ बापों को टेंशन होने लगती है, तो ज्यादा नहीं करो है ना, फिर लगने लगता है कि बड़ी हो गई, तो इसीलिए पर थोड़ा 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 बहुत, क्योंकि अब जैसे ही बड़ी होगी तो स्कूल में भी फंक्शन होते हैं है ना, उनके लिए भी मतलब जो है लड़कियों को थोड़ा सा वो करना पड़ता है, तो मैं इसको ये साड़ी पहना करके देख रही थी, अब वो अपनी मस्ती में है। मांटू नहीं बेटा, तो मैं ना आपको अच्छे से साड़ी पहना के है ना वीडियो बनाऊंगी, तो मांटू को जब से लगी पड़ी थी, मतलब मेरा फिर बाद में मूड भी चेंज हो गया कि नहीं तैयार करके नहीं बनाते, पर उसको जो है जब से लगी पड़ी थी मम्मी तैयार करो ना, मम्मी वीडियो बनाओ ना, तो वही है वो थक गई। चलो बेटा फेस वॉश कर लो, ब्रश कर लो और इसे निकाल के अंदर रख दो। तो चलिए गाइस अब इस वीडियो का यहीं पर, चौधरी साहब कुछ बोलना चाहोगे? आज बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करती, अब तुम क्या बोलना चाहोगे इस चीज के बारे में? रिस्पेक्ट का पता कैसे लगा कि रिस्पेक्ट नहीं करती? नहीं, मतलब मैं तुम्हारे साथ ना अच्छे तरीके से नहीं बोलती, नहीं ऐसा बहुत नहीं बहुत रूड बोलती हूँ। वीडियो में तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से बोल लो, जब रियलिटी देखोगे तो बस। पर हमारा चल रहा है ऐसे ही, 12 साल हो गए हमें एक दूसरे को इस तरीके से ही झेलते हुए। मुझे पता था झेलते हुए बोल रही, इस तरीके से सब चीजें करते हुए 12 साल हो चुके हैं। एक टाइम था जब ये चीजें बहुत वो लगती थी, मतलब कि ऐसा लगता था हाँ इन बातों पे लड़ाई होनी चाहिए, बट अब लड़ाई नहीं होती है। अब तो 2 मिनट कुछ दो मिनट बहुत सारे, तो ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो में आकर के इनको रिस्पेक्ट दिखाऊंगी, क्योंकि मैं नॉर्मली इनसे ऐसे ही बात करती हूँ, तो ऐसे ही मैं वीडियो में करती हूँ, अब दिखाने के लिए ज्यादा मतलब उसमें ऐसे नॉर्मल घर में हम इसी तरीके से बात करते हैं। बढ़िया है, कोई ऐसी बात नहीं है बिना मतलब। और फिर कई बार लग जाता होगा कैमरे पे ऐसा, हाँ वही assumptions हो जाती है कई बार, वही चीज है, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ हमारी है ही। और कुछ एक चीज और होती है, बोलना तो नहीं चाहिए, हम जो जाटों की कुछ भाषा है ना वो थोड़ी सी है भी उखड़ सी, और इधर की मुजफ्फरनगर वालों की जो लैंग्वेज है वो कुछ है ही अजीब सी है, और जो मेरठ वालों की वो भाषा थोड़ी सी है अंग्रेजी वाली सी और थोड़ा सा शहरी सी, हमें ठेठ बिल्कुल तो वही निकलती है, देसी है बिल्कुल। हाँ मेरी बात, मेरा बोलने का तरीका ना लगता होगा कुछ लोगों को कि बहुत रूड है, बट मैं रूड नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। मांटू का मेकअप वीडियो शेयर करके, जो कि नहीं हुआ ज्यादा है ना, क्योंकि मांटू का थोड़ा सा करने के बाद ही मांटू बहुत सुंदर लगने लगी, हमें लगा माँ बापों की नजर ज्यादा लग जाती है, हमने फिर आगे मेकअप किया ही नहीं। पर ये जिद कर रही थी तो थोड़ा सा इसको साड़ी वाड़ी पहना दी है ना मांटू। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, लाइक सब्सक्राइब प्लीज, भीख मांगते हैं तुमसे, हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं, ढेर सारे लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है? डेफिनेटली सजेशंस अगर कुछ है तो जरूर, हाँ कुछ आप लोगों का कुछ सुझाव सजेशन थॉट्स जो भी है सब चीजें हमारे साथ में, अंग्रेज आए, अंग्रेज वापस आए, वापस आए, क्रांतिकारी ये बैठी, क्रांतिकारी हिंदी, मैं चला जाता हूँ, अंग्रेजी को छोड़ देता हूँ, हिंदी जिंदाबाद, हिंदी का बोलबाला है जी, वैसे अच्छी बात, बाय 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 बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।